उर्फी जावेद आज अपने फैशन सेंस से पूरी दुनिया में सनसनी मचा रही है। हर रोज उनका लुक पहले से ज्यादा ही ग्लैमरस होता जा रहा है। अब तक ऐसा लगता है कि उर्फी के आगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का हॉट अंदाज भी फेल है। उन्हें कोई भी इंडियन एक्ट्रेस रिवीलिंग कपड़ों के मामले में टक्कर नहीं दे सकती। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उर्फी को उनके कम कपड़ों के लिए क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। अक्सर ही उर्फी जावेद को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। लोग उन्हें स्लट शेम करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, वहीं कभी कभी तो एक्ट्रेस को धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन इस बार तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अब तक तो सिर्फ समाज के वो लोग उर्फी को नीचा दिखाते थे जो या तो पुराने ख्यालात के हो या फिर उम्र में उनसे बड़े हो। लेकिन इस बार तो उर्फी को कुछ बच्चों ने टारगेट कर डाला है। वहीं अब उर्फी इन बच्चों से इतना तंग आ चुकी है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अब इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की बात कही है। दरअसल चाहत खन्ना, चेतन भगत, सुनील पाल और हिंदुस्तानी भाव के बाद अब कुछ टीनेजर्स ने उर्फी की नाक में दम कर डाला है। अभी टीनेजर्स उन्हें कॉल कर परेशान कर रहे हैं और उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, जिसके बाद उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पूरी घटना बताई। उर्फी ने उन टीनेजर्स को टैग करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ये बच्चा और उसके 10 दोस्त मुझे नॉनस्टॉप कॉल कर रहे हैं। मैं 10 नंबर के बजाय एक ही नंबर का यूज करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर इन्हें कहाँ से मिला। वो मुझे फोन कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। आजकल बच्चों का क्या हाल हो गया है, बिना किसी कारण किसी को परेशान कर रहे हैं। मैं इन सभी 10 लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज कराने जा रही हूँ। लेकिन अगर कोई इनके पेरेंट्स को जानता है तो मुझे बताए, मैं उन्हें इनाम भी दूंगी। उर्फी ने अपने अगले पोस्ट में लिखा, नई जनरेशन बर्बाद हो चुकी है। ये बच्चे बहुत गर्व के साथ इस स्टोरी को फिर से शेयर कर रहे हैं। ये बच्चे और उसके दोस्त मजाक में लड़कियों को कॉल करते हैं, उन्हें गंदी गालियां देते हैं और फिर पछताने के बजाय उसे फ्लॉन्ट करते हैं।